जिंदगी से परेशान हो गया सर, मैं क्या करूं। ये ऐसा किस किस को लगता है यार? कई बार तुम्हें ये नहीं लगता सर, जिंदगी से ना परेशान हो गया हूं, मैं क्या करूं लाइफ में, मैं जिंदगी से परेशान हो गया हूं। बेटा सच्ची बताओ ना, जिंदगी से सब परेशान है। जिंदगी वही इंसान जी रहा है जो जिंदगी को ज्यादा समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, अपना मेहनत करता है, ठीक है, और अपना लाइफ को एंजॉय करता है। समझने की कोशिश मत करो लाइफ को, ठीक है। और एक बात है, जिंदगी में आपके साथ ऐसा मोड जरूर आएगा जहां सिर्फ दो इंसान आपका साथ दे पाएंगे, सिर्फ वो दो इंसान आपको समझ पाएंगे, उन दो इंसानों के अलावा आपको कोई नहीं समझ पाएगा। सबकी जिंदगी में एक मोड ऐसा आता है। अब आप कहोगे सर वो दो इंसान कौन है? एक तो पहला इंसान है आप खुद, और दूसरा वो इंसान है जो आपके सामने आपको आईने में दिखाई दे रहा है। समझ गए मेरा इशारा? आप खुद ही खुद का साथ जब तक नहीं देना सीखोगे ना मेरे दोस्त, यूं ही लाइफ में परेशान रहोगे, यूं ही लाइफ में परेशान रहोगे। और हर एक जिंदगी में, हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ पक्का वो फेस करता है जहां वो खुद से बातें करनी स्टार्ट करता है, खुद एक बड़ा स्टेप अपनी जिंदगी में लेता है, हां मुझे ये करना है। उस टाइम पे वो एक्स वाई जेड, चाहे जो भी उसका प्यारा सच्चा दोस्त हो, ठीक है, माता पिता हो, टीचर हो, उनकी वो राय नहीं लेता, अपनी जिंदगी में गोल, एक एम सेट करता है। नहीं भाई मुझे ये करना है, करना है तो करना है। हर एक बड़ा व्यक्ति अपनी लाइफ में एक ऐसा कठोर स्टेप जरूर लेता है अपनी करियर के लेकर कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में ये वाकई में अचीव करना है, और वो जुट जाता है उस कहानी में। तो वही चीज आपके साथ होने लग रही है, वही चीज आपके साथ होने लग रही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जिंदगी से मैं परेशान हो गया सर, ठीक है, कभी कभी लगता है पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, पढ़ रहा हूं, तो ये सब चीजें अलग है यार। तो इन टेंशन में जाओ ही मत, और मैं हूं, टेंशन में जाना ही नहीं है, और लाइफ को समझने की तो कोशिश मत करो, ठीक है, लाइफ को समझने की तो कोशिश ही मत करो मेरे दोस्त, बस लाइफ को जीने की कोशिश करो, अपने स्ट्रगल करो, अपनी मेहनत करो, अपना अचीव करो, ये जो, ठीक है भाई, पक्का। चलिए तो इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ आज का हम वोकैब सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये याद रखिए, प्लीज ऐसी शब्द ना अपनी लाइफ में कभी लिखा ही मत करो, लाया ही मत करो, ठीक है। और कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है यार, ऐसा भी होता है, कई बार लाइफ अच्छी भी चल रही होती है तब भी मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि हम सेम रूटीन से भी ना ऊब जाते हैं, सेम रूटीन चल रहा है। भाई एक बात बताओ, पनीर की सब्जी बनी है एक दिन अच्छी लगेगी, अगले दिन भी बनी अच्छी लगेगी, अगले दिन भी बनी है, अगले दिन भी बनी है, अगले दिन भी बनी है, तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारे नखरे भी आ जाएंगे। अब तुम कह रहे हो पनीर की सब्जी तो है, इसमें पनीर वाली बात नहीं, मतलब पनीर की सब्जी है पनीर वाली बात क्यों नहीं है? कहते पता नहीं सर पनीर वाली बात नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही पनीर वाली बात? पता नहीं कुछ कमी है। बेटा कमी कुछ नहीं है, ज्यादा गैप मिल गया है तेरे को ना, डेली डेली पनीर मिल रहा है, एक दो बार बीच में लौकी की सब्जी का वो टेस्ट करा देता तो तेरे को पनीर की अहमियत समझ आ जाती। वही तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, लाइफ अच्छी कट रही है, माँ बाप पैसा दे रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है ना हम ऊब जाते हैं, ऊब के क्या कहते हैं यार क्या करूं सर, लाइफ में ठीक ठीक नहीं जा रही, मैंने क्या हो गया ऐसा, पता ही नहीं सर, पता नहीं, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा बेटा, वो इसलिए अच्छा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि शाम होती रोटी मिल जाएंगी। जिस दिन ये टेंशन आएगी ना कि शाम को रोटी कैसे मिलेंगी, ठीक है जी, शाम को रोटी कैसे मिलेंगी, जिस दिन दिमाग में वो टेंशन आ गई ना, तो माँ कसम ये कमेंट नहीं करे, तो पता है क्या बोलेगा, बोले जिंदगी कैसी कट रही है, कहता सर बाढ़ में गई जिंदगी जैसी कट रही है, पढ़ाई पे ध्यान है मेरा, शाम को रोटी का जुगाड़ नहीं हो रखा है, समझा? तो इसलिए कई बार तुम ऊब जाते हो, शाम को रोटियां मिलनी है तुमने, रोटियां अपना आराम से तोड़ोगे, फोन है ईयरफोन लगाओगे अपना, मस्त वो कैब का लुफ्त उठाओगे। चलो तो कई बार ये भी होता है मेरे दोस्त, हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। मैं भी जब ज्यादा घूम लेता हूँ तो मैं भी ऊब जाता हूँ, यार जिंदगी कैसी कट रही है यार, उठो क्लास लो, ठीक है, और बच्चों का वही आर्टिकल कब खत्म होगा, प्रोनाउन कब खत्म होगा, नाउन कब खत्म होगा, टेंस कब खत्म होगा, कॉम्प्रिहेंशन कब आएगा, प्रैक्टिस बैच कब आएगा, बच्चे करते ही कुछ नहीं मिला तो भूख कब आएगी, जब भूख आ गई तो फिर कुछ नहीं मिला, फिर कुछ और ढूंढ लेंगे, कहते बैठे बैठे क्या करें, चलो सर को परेशानी कर लेते हैं और क्या करोगे तुम। चलो जी, चलो खैर मजाक मस्ती की बात यही है, बट ये फैक्ट है बेटा, कई बार अच्छी जिंदगी कट रही होती है तो वो भी हमें रास नहीं आती, हमें फटे में पैर डालना होता है, ठीक है। चलो इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ आपका गुरु जयदीप सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम।